मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट मानबेला गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा योजना के बीएलसी घटक के 20 लाभार्थियों में प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपया उपलब्ध कराती है, जिसमें 1.5 लाख रुपये भारत सरकार तथा 1 लाख रुपये प्रदेश सरकार देती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मांग के अनुसार आवास की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह संख्या 22 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष के अंदर प्रदेश में 40 लाख आवास की सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी योजना है जिसके तहत लोगों को आवास प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, सदर सांसद रवि किशन, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य अधिकारी व नागरिक उपस्थित रहे। इसमें सर दो कॉम्पन दो उसमें बन रहे थे, 384 आवाज़ पहले थे सर एंड 1600 बाद में सैंक्शन हुए थे सर। तो 384 सर ये हैं, एक बार से JNURM के थे पहले कि नहीं? हमारी नहीं सर, ये PMAY हैं, PMAY अर्बन के ही हैं सर। तो अराउंड टोटल सर 12 एकड़ सर पूरा एरिया है, पार्क पार्किंग स्पेसेस प्लस सर स्कूल कमर्शियल कॉस्टिंग आ रही है सर, वो 6.86 लाख है सर। टोटल जो हमारा कॉम्पोनेंट है 4.5 है। क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए हमने कुछ कमर्शियल भी सर इसको क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं सर। जमीन आप ही ने दी, जमीन को बनाया हुआ है, लैंड हमारी है सर, लैंड हमारी है सर। और ये सर 24 मीटर रोड है सर, ये पीछे साइड हम लोग सर ये PWD बना रहे हैं। ठीक, थोड़ी देर में फर्टिलाइजर कारखाना कर जो आप बता रहे थे, जो मैं बता रहा था उसके पास 4-5 महीने पहले शुरू हुआ है सर। तो उसमें भी क्योंकि मिट्टी भराई का काम पूरा हो गया, अब उसमें सर रोड लेइंग है, अंडरग्राउंड टैंक है, पाइपलाइंस हैं, नालियां हैं, 750 हम लोग ने आइडेंटिफाई करके उनको आवंटन पत्र जारी कर दिया है। आप लोग इधर से चले जाते हैं साइड सुखनंदन जी दुर्गावती एवं राम बुझारत, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ स्वागत आपका कर रहा हर सुमन, आप यहाँ आए आपको शत शत नमन, आपका आगमन धन्य शुभ आगमन। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरदीप सिंह पुरी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हार्दिक स्वागत आज के कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत माननीय लोकसभा सांसद जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत माननीय नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत। आज जनपद मानबेला की इस धरा पर प्रधानमंत्री आवास योजना जिला नगरी विकास अभिकरण डूडा द्वारा संचालित इस योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत है कि अब तक योजना के अंतर्गत जिसमें से 27,425 को प्रथम किस्त, 24,061 को द्वितीय किस्त एवं 14,845 को तृतीय किस्त प्रदान की जा चुकी है। अब तक कुल 21,750 आवासों की विधायकगण के सानिध्य में इधर माताजी इधर श्रीमती भानमती देवी,
वाइफ ऑफ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र श्री राम प्रजापति जी स्वर्गीय चौथी प्रजापति है श्रीमती फूला देवी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं फूला देवी जी यहाँ पे खड़े ऐसे 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 फूला देवी वाइफ ऑफ केशव जी इधर ठीक है ठीक है कुमार बुद्ध जी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास पूर्ण करा लिए गए लाभी वाइफ ऑफ उमा प्रसाद कितने बच्चे अभी शादी नहीं हुआ है इसको पकड़ लेना मंत्री जी के हाथ में दीजिए मकान बन गया रह रहे हैं जय हर सेवकपुर से श्रीमती नीतू वाइफ ऑफ श्री विजय श्री जीनक जंगल नकहा से ठीक है मकान बन गया कितने बच्चे हैं स्कूल पढ़ा रहे हैं स्कूल जाते हैं ना सभी वाइफ ऑफ श्री बाबू कौन कौन लोग हैं परिवार में वार्ता का जी भारत मंत्री जी आए हैं भारत सरकार से मकान इन्हीं लोगों ने दिया है श्रीमती लौंगी श्रीमती लौंगी जी वाइफ ऑफ श्री राम स्कूल भेजा करो ठीक है वाइफ ऑफ श्री मुरारी है पकड़े बहुत मकान बन गया ना कितने बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं क्या नाम है सरोज सब मिला के पुष्पा जी मकान बन गया ना वाइफ ऑफ श्री संतोष स्कूल जाते हैं लीजिए लीजिए श्री सुखनंदन जी फोटो देख सब फोटो दे रहे हैं आपका फोटो भी ऐसे आएगा जैसे रवि किशन का फोटो आता है श्रीमती दुर्गावती देवी क्या नाम है संतोष कुमार संतोष कुमार उसका नाम आपका संतोष कुमार कौन है आपका आदमी है कितने बच्चे हैं स्कूल पढ़ते हैं स्कूल भेजा करो सबको सुखनंदन जी सन ऑफ श्री बसंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमल शंभू जी अपने आवास की चाबी एवं प्रमाण पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय इस मंच पर आज उस महान विभूति का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों में इंग्लैंड और ब्राज़ील तक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रहा है जो दुनिया की सर्वोत्तम राजनीतिक और सामाजिक संस्था संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन रहा है जो संयुक्त राष्ट्र काउंसिल के एंटी टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन रहा है जिसने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं सीधे हमारे बीच में एक डिप्लोमेटिक जीवन से आकर के एक सफल राजनीतिक जीवन के रूप में हम लोगों के बीच में हुए हैं मैं आज इस मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं योगी जी हमारे बीच के हैं हम लोग रोज उनके साथ कार्यक्रम में होते हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपनी बातें समाप्त करता हूं 2014 मई में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी तो कुछ ही महीने बाद उन्होंने ये निर्णय लिया पहले तो उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक वो जहां भी रहते हो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनका एक अपना आवास होना चाहिए जब इसके लिए हमने काम शुरू किया 2014 और 2015 के बीच
तो जानकारी ये मिली कि प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए करीबन 1 करोड़ आवास बनाने होंगे। और जैसे ये योजना आगे बढ़ी तो इसको रिवाइज करके 1 करोड़ 12 लाख का नंबर हुआ। मुझे आज बहुत खुशी हुई होती है आपसे ये बताते हुए कि ये जो योजना जून 2015 में आरंभ हुई थी और हमें 1 करोड़ 12 लाख आवास सैंक्शन करने हैं, इसमें से मोदी जी की सरकार ने देश भर में 1 करोड़ और 11 लाख ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो आंकड़े हैं वो सबसे बढ़िया है। योगी जी की सरकार बनने से पहले कुल 18,000 के करीब सैंक्शन किए थे आवास। योगी जी के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ये 18,000 की बजाय अब 18 लाख आवास सैंक्शन कर दिए गए हैं। और मुझे बहुत खुशी आपको ये बताते हुए कि इसमें से 12,56,000 पे काम शुरू हो गया है और 7,03,254 लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस शुभ अवसर होली के त्यौहार के जब मैं योगी जी के साथ यहाँ आ पाया और योगी जी के कमलोक से आप में से जो लाभार्थी हैं जिनको ये आवास मिलने वाले हैं उसके आपको जो पत्र है वो भी दे दिए गए। बहुत बहुत आपको बधाई और मैं आप सबको बहुत क्या कह सकता हूँ, बड़ी खुशी भरी होली हो आपकी। और बाकी भी जो लाभार्थी हैं उनको भी जल्द से जल्द ये मकान के कागज मिल जाएंगे। मुझे ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जून में सारा यहाँ का काम पूरा हो जाएगा और एक और यूपी के विकास का एक शानदार उदाहरण है। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, जिंदाबाद। विशेष कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले भारत सरकार के शहरी विकास, आवास और विमान नागर विमानन विभाग के मंत्री माननीय पुरी जी का गोरखपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। उनका आगमन आज गोरखपुर के लिए कई उपलब्धियों को लेकर के है। आप सब जानते हैं कि आज सुबह का जो कार्यक्रम था वह गोरखपुर में एयरपोर्ट का जो सिविल टर्मिनल है जहां पे सामान्य यात्रियों के आने जाने की व्यवस्था होती है उसके विस्तार के एक नए कार्यक्रम का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ साथ गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से गोरखपुर के बीच में एक नई वायु सेवा का भी शुभारंभ हुआ। गोरखपुर से लखनऊ का किराया मात्र 1500 रुपया उसमें रखा गया है और इस समय गोरखपुर की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के प्रत्येक लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए उपलब्ध कराती है जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है और 1 लाख रुपए प्रदेश सरकार देती है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का भी जिन्होंने प्रदेश सरकार में प्रदेश की जनता की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस समय हम लोग शहरी क्षेत्रों में
लगभग 18 लाख लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने में सफल हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी यह संख्या हमारी लगभग 22 लाख के आसपास जा रही है, यानी 40 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा मात्र 4 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवा रही है। जीवन की सुगमता के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनमें आवास, बिजली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, अबाधित व्यवस्था, आम नागरिक को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, अच्छी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था और नजदीकी रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं, उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल भी रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक सफलतम योजना है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में अच्छे आवास गरीब परिवारों को प्राप्त हो रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी 2.5 लाख रुपए प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत भी आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने उन लोगों को भी अलग से आच्छादित करने की व्यवस्था की है, खासतौर पर मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए और अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने आवासीय सुविधा को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत लेकर के व्यापक पैमाने पर उन लोगों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है, जिससे सड़क के फुटपाथ पर कोई भी मजदूर आने वाले समय में रहने के लिए मजबूर न हो बल्कि उस प्रकार के डोमेट्री और आवासीय सुविधाओं से प्राप्त हो सके जहां पर वह अपने दिन भर की मजदूरी के बाद कम से कम उसको सम्मानजनक ढंग से सोने और भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और भारत सरकार का जो एक सहयोग और सकारात्मक योगदान इन सभी योजनाओं के साथ मिल रहा है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसके परिणाम स्वरूप हम लोग प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने में हमें मदद मिलती है, उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल को जोड़ने की जो कार्य योजना आगे बढ़ रही है यह इसी योजना का हिस्सा है। ये मानबेला का जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र था और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर यहाँ के आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने यहाँ की लड़ाई लड़ी थी, आज इस समस्या का भी समाधान हो चुका है और सबको सम्मानजनक ढंग से उनका मुआवजा कंपनसेशन मिल रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाई जा रही है, लगभग ये 1500 लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मिल ही रहा है। यहाँ पे पत्रकारों के लिए भी एक आवासीय सुविधा को GDA के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों को सस्ते आवास यहाँ पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की स्कीम को बनाया है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर एक व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने में हम लोग सफल होंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सितंबर का समस्त हमारे मीडिया कर्मियों का समस्त आदरणीय जनमानस का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न।